हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करी विद कमल। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बैंगन मसाला की सब्जी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने 5-6 बैंगन ले लिए हैं। यहाँ ध्यान रखें, हमें थोड़े छोटे बैंगन ही लेने हैं। इसमें 4 बड़े चम्मच ऑयल, 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो पेस्ट भी बना के यूज़ कर सकते हैं। 2 बड़े टमाटर को भी कद्दूकस कर लिया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने मिर्च अदरक लहसुन की पेस्ट ली है। आप चाहे तो तीनों चीज़ों को बारीक चॉप करके भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधा टीस्पून साबुत जीरा, नमक स्वाद अनुसार, गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। तो चलिए सबसे पहले हम बैंगन काट के तैयार कर लेते हैं। इस तरह से इसके थोड़े थोड़े छिलके उतार लेंगे। अब हम यहाँ पे इसका पूरा डंठल नहीं निकालेंगे, इस तरह से आधा डंठल काट लेंगे। बाद में हम इसमें इस तरह से बीच में एक कट लगाएंगे। पूरा कट नहीं लगाएंगे, थोड़ी सी जगह रहने देंगे। इस तरह से एक दूसरा कट बीच में लगा देंगे। देखिए, इस तरह से कट लगाने से मसाला भी अंदर आसानी से चला जाएगा और ये बैंगन हमारे अच्छे से गल भी जाएंगे। इसी तरह से हम सारे बैंगन तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम बैंगन को डीप फ्राई कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में काफ़ी सारा ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल के गरम होते ही हम एक एक करके बैंगन को फ्राई होने के लिए अंदर डाल देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। कुछ देर बाद ये हमारे बैंगन नीचे से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको पलट लेंगे। इसी तरह से पलटते पलटते हुए हम इसे 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, 3-4 मिनट में ही हमारे बैंगन बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ब्राउन भी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेंगे और अलग से एक प्लेट में रख देंगे। अब ये जो ऑयल बचा है, इसको आप छान के कोई भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फ्लेवर नहीं है। सब्जी भी बना सकते हैं या कोई और चीज़ फ्राई भी कर सकते हैं। उसी ऑयल में से मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है एक पैन में। अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे। जीरा चटकते ही हम इसमें कद्दूकस किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सॉटे करेंगे। ये प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून मिर्च अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक सॉटे करेंगे। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, तीखा फिर भी आप अपने हिसाब से डाल लिया कीजिए, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी में से तेल अलग होने तक इसे पकाएंगे। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, किनारियों पे तेल भी अलग हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें 2 कप जितना पानी ऐड कर देते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, 5 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए बैंगन ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको एक बार चला लेंगे और इसे फिर से कवर करके मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। बैंगन डालने के बाद भी हमने इसको 5 से 7 मिनट तक और पका लिया है। देखिए, हमारी मसाला बैंगन की सब्जी बनके रेडी है। बहुत ही अच्छा रंग भी आया हुआ है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। अगर गाढ़ी चाहिए तो ये ठीक है, अगर पतली चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी और भी लगा सकते हैं इसमें। अब हम इसमें चुटकी भर गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे। तो लीजिए, रेडी है हमारी गर्मा गर्म मसाला बैंगन की सब्जी। इसे गर्मा गर्म रोटी या चावल या पराठा के साथ सर्व करें।
लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।